वेलकम दोस्तों एके एच विसी इंजीनियर में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने वाले हैं पुल जो भी हमारी डीसी इन्वर्टर ए सी होती है उसमें हम कौन कौन सा एरर कोड होती है तो जो भी हम एरर कोड आती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे उसके ट्रबल शूटिंग के बारे में तो सबसे पहला हमारा कोड आता है ई वे ई वे अगर कोड आपका एरर कोड शो कर रहा है पुल डीसी इन्वर्टर स्प्लिट में तो आपको रिमोट की सेटिंग को आपको अच्छे से चेक करना है कि रिमोट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रिमोट का हम मोड वोड चेंज करके रिमोट को सेटिंग को अच्छे करेंगे जिससे ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट हमारा एरर कोड आता है ई सिक्स ई सिक्स के मतलब अगर आएगा तो हमारा जो भी इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन वायरिंग होती है कम्युनिकेशन का फॉल्ट होता है तो हमें उससे अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कम्युनिकेशन वायरिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं फॉल्ट तो नहीं है तो ये सब चेक हमें इंडोर टू आउटडोर अच्छे से चेक कर लेना चाहिए नेक्स्ट हमारा कोड आता है पी एल पी एल का मतलब डी सी इनपुट वोल्टेज इज लो लो अगर जब भी डीसी करंट का हमारा इनपुट वोल्टेज जो आएगा अगर वो हमारा किसी कारणवश लो हो जाता है तो ये हमारा पी का एरर कोड शो करने रहता है शो करता है तो हमें इसे अच्छे से चेक कर लेना है नेक्स्ट हमारा कोड आता है pH. पी एच पी एच का मतलब मतलब तो कि जो भी हमारा डीसी करंट इनपुट वोल्टेज अगर ज़्यादा हाई हो गया किसी कारणवश किसी से भी चीज़ से अगर हाई ज़्यादा होता है तो हमें उसे अच्छे से चेक करना चाहिए करंट वोल्टेज को कि अच्छा है कि नहीं है तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है नेक्स्ट हमारा कोड आता है पी नाट पी नाट यानी पी जीरो प्रोटेक्शन डिवाइस जो भी हमारे इस इस पुल के जो भी डिस इन्वेटर ऐसी है अगर इसमें जो प्रोटक्शन डिवाइस लगी रहते हैं तो जितने प्रोटेक्शन डिवाइस है सबको एक एक चेक कर कर अच्छे से चेक करेंगे कि पी नाट तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट हमारा कोड आता है पी सेवन पी सेवन को तो टेम्परेचर तो 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 सेंसर पार्ट जो भी हमारा टेम्परेचर सेंसर आता है तो अगर किसी कारण में फॉल्ट होता है उसका जैक वेक में अच्छे से नहीं लगा रहता है तो हमें उसे अच्छे से तरीके से लगा देना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाता है नेक्स्ट हमारा कोड आता है यू यू यानी जब भी हमारा डी इज ओवर करेंट यानी जो भी हमारा ओवर करेंट हो जाएगा डायरेक्ट करेंट तो ये हमारा क्या होता है ये हमारा यू यू एरर कोड शो करता है नेक्स्ट हमारा कोड आता है ई एफ फोर ई एफ फोर का मतलब होता है आउटडोर कंडेंसर टेम्परेचर सेंसर जो भी हमारा आउटडोर में एक कंडेंसर टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है आपने देखा होगा तो हमें उससे अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि ये प्रॉपर तरीके से लगा है कि नहीं लगा है सही से है कि नहीं है तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है योर का नेक्स्ट हमारा कोड आता है यफ फाइव का ये आउटडोर डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर पार्ट है हमारे जो अभी जो भी हमारा आउटडोर में डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है और उसमें कोई भी फॉल्ट होती है तो हमारे याइव का एरर शो करता है तो इसे आपको अच्छे से चेक करना चाहिए जिससे आपका ये एरर कोड खत्म हो जाए नेक्स्ट हमारा एरर कोड आता है यफ थ्री ये हमारा आउटडोर टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट है जो भी हमारा आउटडोर में अगर टेम्परेचर सेंसर लगा है तो हमें उसे अच्छे से चेक करना है जिससे आपका यफ थ्री का एरर कोड जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है नेक्स्ट हमारा एरर कोड आता है ई ई यानी इंडोर पी फॉल्ट जो भी हमारा स्प्लिट एसी है है पुल का उसके तो इंडोर में हमें जो पी सी लगे हुई प्रिंटेड सर्किट बोटे में अच्छे से चेक करना चाहिए कोई फॉल्ट तो नहीं है नेक्स्ट हमारा कोड होता है एच फोर एच फोर का मतलब सिस्टम रेफ्रिजरेंट ओवरलोड जब भी हमारा सिस्टम में अगर रेफ्रिजरेंट के कारण किसी कारण ओवरलोड हो जाएगा तो हमारा एच फोर का एरर कोड शो करता है इसे आपको अच्छे से चेक कर लो नेक्स्ट हमारा कोड है एच थ्री और किसी कारणवश ओवरलोड ऑफ द कंप्रेसर जब कारणवश किसी कारणवश कंप्रेसर ओवरलोड लेने ले लगे हैं ले तो आपको ये चेक करना है कि ओवरलोड क्यों कंप्रेशर ले रहा है तो हमें अच्छे से उसका रेफ्रिजरेंट जो भी हमारे उसमें प्रोटेक्शन हुई सभी को अच्छे से चेक करना है कहीं तो डस्ट तो नहीं है तो सब सब चेक करना है नेक्स्ट हमारा कोड होता है एल सी एल सी को मतलब स्टार्टअप है लेटर जब भी हमारी सिस्टम जब स्टार्ट होती है तो उसमें किसी कारणवश वह स्टार्टअप में कोई दिक्कत हो रही है तो हमारा ये एल सी का कोड शो करता है नेक्स्ट हमारा कोड आता है यफ़ टू एफ़ टू का मतलब इंडोर ब्लोअर मोटर फॉल्ट जब भी हमारा इंडोर में लगा रहता है ब्लोअर मोटर उसे हमें चेक कर लेना है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो ये आपका यफ टू का एरर कोड सॉल्व हो सकता है नेक्स्ट हमारा कोड आता है यू एच यू एच का मतलब आउटडोर फाइन मोटर फॉल्ट जब भी हमारा आउटडोर की फाइन मोटर होती है अगर उसमें के कारण बस कब सीटर वीक हो गया कुछ भी कारण बस वो नहीं चल रहा है तो ये हमारा चेक करना है अच्छे से नेक्स्ट हमारा कोड आता है ई फाइव ओवर करंट प्रोटेक्शन जो भी हमारा ओवर करंट के लिए प्रोटेक्शन डिवाइस लगे रहते हैं तो हमें उसे चेक करना है कि कोई कोई इसमें से मिस नहीं हो गया कोई फाल्ट तो नहीं हो गया तो जिससे आपका ओवर करंट का ये शो करता है ई फाइव का तो हमें इससे प्रॉपर तरीके से अच्छे से चेक कर लेना चाहिए जो भी हमारे होते हैं नेक्स्ट हमारा कोड आता है यू वन यू वन का मतलब कंप्रेसर फेज करेंट फाल्ट यानी जो भी हमारा कंप्रेसर का फेज होता है तो उसे हमें एक एक चेक कर लेना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसमें कोई दिक्कत होता है हमें उसे चेंज कर चेंज करना चाहिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको ए से रिलेटेड वे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए